Hi guys, welcome back to my channel which is Easy Nursing Notes 1-4. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल जो कि Easy Nursing Note है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोस। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है रिगार्डिंग दिस नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। आज के टाइम में नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ही एडवांस होता चला जा रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं कि वो इस प्रोफेशन को चूज करें। अलोंग विद दैट वो ये भी जानना चाहते हैं कि प्रोफेशन आखिर है क्या, नर्सेस क्या होती हैं, नर्सिंग क्या वर्क करते हैं, नर्सिंग की क्या डेफिनेशन है, नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग प्रोफेशन क्या है। सो टुडे वी विल डील विद दिस टॉपिक नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। नर्स में एन स्टैंड्स फॉर नोबिलिटी। नर्स वो है जो कि नोबल होती है। यू स्टैंड्स फॉर यूजफुलनेस, वो नीडेड लोगों के काम आती है। वो पीपल जो सिक हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उनकी हेल्प नर्स करती है। आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होती है, अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल होती है, अपने पेशेंट की हर एक नीड की वो ध्यान रखती है, मेडिसिन टाइम पे देती है, वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस, डिस्चार्ज, एवरीथिंग, रिपोर्टिंग, लैब टेस्ट, सब कुछ हर एक काम की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। S stands for simplicity and E stands for efficiency. Nurse efficient hoti hai. So nurse is a person who is noble, useful, responsible, simple and efficient. Now let's see the definition of a nurse. Okay, so nurse is a person who is trained to look after sick or injured people. नर्स एक ऐसा पर्सन है जो ट्रेंड है कि उसको पता है कि एक सिक और इंजर्ड पीपल की हेल्प कैसे करनी है, उनका लुक आफ्टर कैसे करना है। नर्स एक ट्रेंड पर्सन होता है या होती है, बिकॉज नर्स कैन बी अ मेल, नर्स कैन बी अ फीमेल। सो नर्स इज़ अ पर्सन जो कि ट्रेंड होती है, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है कि सिक एंड इंजर्ड पीपल की लुक आफ्टर कैसे करनी है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ नर्स। Now let's see what does mean by nursing. Nursing क्या होती है? Nursing is the unique function of the nurse to assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery that he would performing unaided if she or he had the necessary strength, will or knowledge and to do this in such a way as to help the client gain independence as rapidly as possible. It means nursing nurse का unique function है, एक ऐसा function है जिसमें कि वो एक sick और well और किसी भी individual की वो help करती है, उनको assist करती है, उनको वो activities perform करने में वो assist करती है जो वो खुद से perform नहीं कर पाते, जो ज़रूरी है उनकी recovery के लिए, उनकी health में contribute करती है nurse। नर्स उनकी उस टाइम पे हेल्प करती है जब उनको नेसेसरी स्ट्रेंथ नहीं है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। वो अपनी नॉलेज का, स्किल्स का यूज़ करके पेशेंट का, उस क्लाइंट को इंडिपेंडेंस दोबारा से रैपिडली जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प करती है। सो नर्स एक ऐसी पर्सन होती है जो अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट, उस इंडिविजुअल जो कि सिक है, जो नॉट वेल है, जो अपनी एक्टिविटी
एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसको असिस्टेंस की जरूरत है, जिसको हेल्प की जरूरत है, नर्स उनकी हेल्प करती है, उनको अपनी वापस वही गुड हेल्थ वाली कंडीशन को अटेन करने में मदद करती है, उनको एज रैपिडली एज इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प करती है. दिस इज द नर्सिंग. Now let's see nursing as a profession. The services provided are vital to humanity and the welfare of society. नर्सिंग प्रोफेशन में जो सर्विस प्रोवाइड करी जाती है वो ऐसी सर्विस होती हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं, वाइटल होती हैं. 100 students are asked why they choose nursing, most would reply to help people. अगर 10 बच्चों से पूछा जाए कि वो नर्सिंग को क्यों चूज कर रहे हैं तो वो यही बोलेंगे कि लोगों की हेल्प के लिए, पीपल्स की हेल्प के लिए. सर्टेनली नर्सिंग इज अ सर्विस दैट इज इसेंशियल टू द वेलबींग ऑफ पीपल एंड सोसाइटी एज अ होल. इससे हमें ये पता चलता है नर्सिंग एक ऐसी सर्विस है जो लोगों की, सोसाइटी की हेल्प के लिए ज़रूरी है, उनकी वेलबींग के लिए ज़रूरी है. नर्सिंग प्रमोट करती है, मेंटेनेंस में हेल्प करती है, इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी की हम बात करें, इन सब की हेल्थ को मेंटेन करने में, हेल्थ को प्रमोट करने में, हेल्थ को रिस्टोर करने में नर्सेज हेल्प करती हैं. उनका जो प्रोफेशन है नर्सिंग का वो हेल्प करता है. असिस्टिंग अदर्स टू अटेन हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलनेस ऑफ विच दे आर कैपेबल इज द गोल ऑफ नर्सिंग. नर्सिंग का मकसद ही यही होता है, गोल ही यही होता है कि वो उन लोगों की हेल्प करें जो अपनी हेल्थ को गेन करने में खुद से सफिशिएंट नहीं है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है अपनी वेलनेस के लेवल को गेन करने में. तो नर्सेज उनकी हेल्प करती हैं, उनको कैपेबल बनाती हैं कि वो भी वेलनेस गेन कर सकें. Caring means nurturing and helping others is a basic component of professional nursing. एक professional nurse जो होती है वो अपने patients, अपने clients की, community की care करती है. Care करने का मतलब होता है help करना दूसरों की, nurture करना, उनको जो भी help needs हैं उनकी उनको fulfill करना, उनको reassure करना, ये basic component होता है एक professional nursing का. There is a special body of knowledge that is continually enlarged through the research. Nursing एक ऐसा profession है, एक ऐसी special body of knowledge है जो expand होती चली जा रही है. आजकल nurses में researches होती जा रही हैं, पहले time में इतनी सारी researches नहीं होती थी. In the past, nursing was based on the principles which were borrowed from the physical and social sciences or from other disciplines. पहले time में जो nursing थी वो उन principles के बेसिस पे होती थी जो कि फिजिकल या सोशल साइंस या अदर डिसिप्लिन से बोरो किए जाते थे. बट टुडे द नर्सिंग इज नो लॉन्गर बेस्ड ऑन द टास्क ओरिएंटेशन. अब नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में खुद से रिसर्चेस करी जाती हैं. जो नर्सिंग है अब वो उस प्रैक्टिस के बेसिस पे है, रिसर्चेस होती हैं, हर एक चीज़ का एक रैशनल होता है. नर्सिंग प्रैक्टिस का जो बेस है वो रिसर्च होती है आज के टाइम में. सो जो नर्सिंग है उसकी जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होती जा रही है कंटिन्यूअसली थ्रू द रिसर्च. नेक्स्ट, द सर्विसेज इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ स्ट्रॉन्ग फीचर. नर्सिंग का एक स्ट्रॉन्ग फीचर है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो नर्सेज होती हैं अपने वर्क के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो भी वो एक्टिविटीज करती हैं इंटेलेक्चुअली करती हैं, सोच समझ के करती हैं, रैशनल के बेसिस पे वो अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं. सो जो नर्सिंग सर्विस है दैट इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ये दोनों ही चीज़ें एक स्ट्रॉन्ग फीचर है हमारी नर्सिंग का. Nursing has developed and refined its own unique approach to practice known as nursing process. अब के टाइम में नर्सिंग की जो प्रैक्टिस है उसने एक यूनिक अप्रोच को अडॉप्ट करा है जो कि नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है. नर्सिंग प्रोसेस इज इसेंशियली अ कॉग्निटिव एक्टिविटी.
that requires both critical and creative thinking and serves as a basis for providing nursing care. Nursing care में nursing process बहुत ही ज़्यादा important value रखता है. Nursing process एक ऐसी cognitive activity है जिसमें कि nurse को critical thinking की ज़रूरत पड़ती है, creative thinking की ज़रूरत पड़ती है. उसकी जो केयर होती है, जो भी वो केयर प्रोवाइड करती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना नर्सिंग प्रोसेस बनाती है. तो नर्सिंग में नर्सिंग प्रोसेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इन नर्सिंग हैज़ बिकम द होल मार्क ऑफ प्रैक्टिस. अकाउंटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, जिसको कि हम ANA भी बोलते हैं, इज बींग आंसरेबल टू समवन फॉर समथिंग वन हैज डन. इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नर्सिंग प्रैक्टिस का एक होल मार्क है. नर्स इंडिविजुअल प्रैक्टिस करती है और वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल होती है. ये एक नर्सिंग प्रैक्टिस का मेन पॉइंट है, उसका होल मार्क है. अगर हम बात करें अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की, जिसको ANA कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू ANA अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का कुछ भी काम करने के लिए खुद आंसरेबल होना. अगर कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, खुद आंसरेबल होगा. इट मीन्स प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन टू सेल्फ, टू द क्लाइंट एंड टू द एम्प्लॉइंग एजेंसी एंड टू द नर्सिंग प्रोफेशन. नर्स अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल है. इसका मतलब है कि वो खुद को भी उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देगी, उसको पता होगा वो क्या वर्क कर रही है, क्या हेल्थ केयर दे रही है. क्लाइंट को भी एक्सप्लेन करेगी, वो अपनी एम्प्लॉइंग एजेंसी को भी आंसरेबल है और अपनी प्रोफेशन को भी आंसरेबल है. The majority of programs offering basic nursing education are now associate degree and located in colleges and universities. See, there are now master and doctoral programs in the nursing, although the number of graduates are small as compared with the other health professionals. पहले नर्सिंग जो होती थी वो थोड़ा डिफरेंट थी. अब जितना भी मेजॉरिटी ऑफ ये नर्सिंग बेसिक नर्सिंग एजुकेशन वाले प्रोग्राम्स हैं वो सब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट किए जाते हैं. और बेसिक BSc नर्सिंग की जो डिग्री कोर्स है ये करने के बाद में MSc नर्सिंग मास्टर्स डिग्री करी जाती है. PhD का प्रोग्राम भी नर्सिंग में अवेलेबल है. बहुत सारी डेवलपमेंट नर्सिंग प्रोफेशन में हो गई है. इतना होने के बाद भी अभी भी हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू द हेल्थ प्रोफेशनल्स. अभी भी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है. इतने सारे बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे GNM नर्सिंग करते हैं जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है. देन बहुत सारे दे चूज फॉर BSc नर्सिंग डिग्री और फिर मास्टर करते हैं, PhD करते हैं. स्टिल इतना सब करने के बाद भी वी हैव लेस नंबर ऑफ ग्रेजुएट. हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स की अभी भी नीड है. See, there is an organization or association that encourages and support high standard of practice. Nursing में organization है, association है, जो कि nursing practice के standards को high रखने के लिए हमेशा encourage करती रहती हैं, support करती हैं. Nursing has number of professional associations that were formed to promote the improvement of the profession. हमारी nursing profession में बहुत सारी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जो इसीलिए बनाई गई हैं ताकि इस प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट्स को लाया जा सके, इम्प्रूवमेंट्स करी जा सके. फोर मोस्ट अमंग दीज इज द ANA. इन सब में एक एसोसिएशन है ANA, जिसका भी मैंने नाम लिया था, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन. इसका पर्पस है टू फोस्टर हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस. इसका मकसद ही ये है कि नर्सिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को रेज किया जा सके, हाई स्टैंडर्ड्स लाया जा सके. प्रमोट प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ नर्सेज एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ नर्सेज टू द एंड दैट ऑल पीपल हैव बेटर नर्सिंग केयर.
ये जो ANA नर्सिंग एसोसिएशन है, इसका यही पर्पस है कि नर्सिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को हम फोस्टर कर सकें, हाई स्टैंडर्ड्स ला सकें, प्रोफेशनल एजुकेशनल एडवांसमेंट ला सकें, नर्सेज के वेलफेयर के लिए वर्क करें। बिकॉज नर्सिंग का, अगर नर्सेज का वेलफेयर होगा तो एट द एंड क्या रिजल्ट होगा, जितने भी लोगों की वो सेवा कर रही हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए जो वो हेल्प कर रही हैं, वो बेटर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगी। सो द ANA इज ऑल्सो एन ऑफिशियल वॉइस ऑफ नर्सिंग एंड देयरफॉर इट इज द प्राइमरी एडवोकेट फॉर नर्सिंग इंटरेस्ट इन जर्नल। ये जो एसोसिएशन है हमारी ANA एसोसिएशन, ये नर्सिंग की ऑफिशियल वॉइस भी है, ये हमारा प्राइमरी एडवोकेट भी है, ये सिर्फ नर्सिंग के वेलफेयर के लिए ही काम करती है, उसके स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए वर्क करती है। बिकॉज नर्सिंग के स्टैंडर्ड रेज होंगे, नर्सिंग का वेलफेयर अच्छे से होगा, तो नर्स अपने क्लाइंट को जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है वो भी बेस्ट होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में नोट्स प्रोवाइड करे हैं जो आप क्लियरली नोट कर सकते हैं। इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करी है ताकि आप इसे ईजिली लर्न कर सकें, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर ऑल नर्सिंग फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।